मनरेगा श्रमिकों को भुगतान नहीं होने पर ग्राम प्रधान नाराज हो गए हैं। प्रधानों ने भुगतान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजा है। ग्राम प्रधानों ने बताया कि गांव में काम करने के उपरांत भी श्रमिकों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ग्राम प्रधान प्रदीप राठी ने बताया कि भुगतान नहीं होने के कारण गांव का विकास भी प्रभावित हो रहा है। ग्राम प्रधानों ने भुगतान की मांग को लेकर गरुड़ के उपजिलाधिकारी के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन भेजने वालों में ग्राम प्रधान राजू गोस्वामी, मंजू बोरा, सुनील पांडे सहित अन्य ग्राम प्रधान शामिल हैं। हमारा जो पेमेंट रुका है मनरेगा का, आज 4 महीने हो गए हैं, 4-4, 5-5 लाख रुपए लेबर का पेमेंट रुक गया है ब्लॉक के अंदर, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम CDO साहब से भी वार्ता हो चुकी, बात भी हो चुकी, इधर ब्लॉक में भी BDO साहब से भी बात हुई है, कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दिवाली का टाइम है, त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार हमारा जो होता है दिवाली होता है, उसमें मनरेगा को पैसा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए तो पब्लिक बहुत ही आक्रोश में बैठी है। और मैं आपके मीडिया के द्वारा, आपके चैनल के द्वारा यही संदेश देना चाहता हूँ अपने सभी साथियों द्वारा, हमारा प्रधान संगठन, कि अगर ये भुगतान 2-4 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकाल के लिए पूरा ब्लॉक जाम किएंगे, उसमें तालाबंदी और घेराव करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।